तो गाइस पहले तो आप ये देख लीजिए, किसी ने मुझे फोटोज सेंड की हैं। मैं जैसे ही किसी फोटो पे क्लिक करता हूँ वो फोटो लोड होती है। उस फोटो को मैं देखता हूँ, जैसे मैं उस फोटो को एक बार देख लेता हूँ ऑटोमेटिकली वो फोटो अपने मन से डिलीट हो जाती है। आप देखेंगे पहली फोटो मैंने देखी, उसके बाद मैं दूसरी फोटो व्यू कर रहा हूँ, दो फोटोज मेरे फ्रेंड ने मुझे सेंड की थी और जैसे मैंने दोनों फोटोज को देख लिया अब यहाँ पे ये फोटोज अपने मन से डिलीट हो गई हैं। सो गाइस क्या आप भी किसी को भी कोई ऐसी इमेज कोई ऐसा वीडियो सेंड करना चाहते हैं ताकि जैसे ही सामने वाला उसको देखे ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाए, उसका कुछ भी वहाँ पे अक्स ना बचे? आपको बता दूँ इंस्टाग्राम पे ये फीचर अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम में किसी को भी कोई भी ऐसी इमेज या वीडियो सेंड कर सकते हैं, जैसे ही सामने वाला देखेगा उसके बाद उसका कोई भी अवशेष वहाँ पे नहीं बचेगा। क्या थी इमेज, क्या था वीडियो, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। उसमें आपको अपने एंड से फिर कुछ भी नहीं करना होगा। करेंगे कैसे और ये ऑलमोस्ट हर एक इंस्टा एप्लीकेशन पे अवेलेबल, तो चलिए करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। सो गाइस अगर आपको इंस्टाग्राम पे किसी को भी मैसेज ऐसा सेंड करना है कि जैसे सामने वाला देखे वो डिलीट हो जाए, तरीका देख लीजिए। यहाँ पे मैं दो एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, आप देखेंगे एक इंस्टाग्राम आपको ये दिखाई दे रहा है, दूसरा मेरे पास ये है। एक से मैं सेंड करूँगा और दूसरे में उसको देखूंगा और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा जैसे मैं उसको व्यू करता हूँ ऑटोमेटिकली वो इमेज डिलीट हो जाती है। करना क्या है एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपको अपने इंस्टाग्राम किसी एक इंस्टाग्राम में ओपन करता हूँ जिससे मैं मैसेज सेंड करूंगा। ध्यान रखिए जब मैं आप बैक जाता हूँ तो बैक जाकर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने AS ग्रुप नाम से अकाउंट पे लॉगिन करके रखा हुआ है। आप दिखा देख लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको AS ग्रुप नाम से। अब यहाँ से मुझे मैसेज सेंड करना है तो उसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ से मैसेज वाले ऑप्शन पर चले जाना है और जिसको मुझे मैसेज सेंड करना है यहाँ पर क्लिक करना है। इसके साथ साथ मुझे ये चेक कर लेना है कि दूसरे वाले मैंने इसी से लॉगिन किया है कि नहीं। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ और दूसरे में ओपन कर लेता हूँ। आपको मैं एक बार चेक करा देता हूँ जिससे मैं उसमें सेंड कर रहा हूँ उसी पर मैंने इस पर लॉगिन करके रखा हुआ है। आप देखेंगे यहां पे वही फोटो दिखाई दे रही है। चलिए अब वहां से हम सेंड करते हैं और देखते हैं यहां पे वो चीज रिसीव होती है, उसको मैं देखता हूं और देखने के बाद वो इमेज यहां से गायब होती है या नहीं होती। इसके लिए मैं यहां से फिर से बंद करता हूं, दूसरे को ओपन करता हूं यहां से। आपको ध्यान रखना जब भी आपको कोई इमेज या वीडियो सेंड करना हो तो आपको यहां से यूज नहीं करना ऐसी इमेज या वीडियो सेंड करने के लिए, ताकि जैसे ही कोई देखे वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए। उसके लिए आपको आपके बाद इस कैमरे आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका कैमरा ओपन होगा, आपको कैमरे से अगर कुछ शूट करना है तो शूट कर लीजिए, नहीं शूट करना तो रिकॉर्डेड जो पहले से पड़ा होगा गैलरी पे आपको उसको क्लिक करना है साइड में और यहां से आपको वो इमेज या वो वीडियो यहां से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आप यहां पे दिखाई देगा, नीचे आप देखेंगे यहां पे आपको व्यू वंस दिखाई देगा। आपको ध्यान रखना है कि आपको यहां पे व्यू वंस दिखाई देगा, आपको साइड में दिखाएगा तो क्लिक करके उसको सिलेक्ट करना है, आपको व्यू वंस पे क्लिक करके रखना है और इसके बाद आपको इसके ऊपर एडिटिंग करनी है तो कर दीजिए और अदरवाइज यहां से सेंड कर दीजिए। तो जैसे आप सेंड करेंगे तो नॉर्मल जैसे मैसेज जाता है वैसे नहीं जाएगा, आप यहां पे देखेंगे फोटो सेंड हो गई हमारे एंड से। अब हम देखते हैं दूसरे वाले एप्लीकेशन पे वो चीज रिसीव हुई है या नहीं। तो देखिए यहां पे रिसीव हो गई, जो मैंने उधर से सेंड की है वो यहाँ पर रिसीव हो गई। अब मैं इसको देखूंगा तो कैसे देखूंगा, देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो इमेज लोड होना स्टार्ट हो गई। आप देखेंगे इमेज लोड हो रही है और इस इमेज को मैं देख रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में क्या होगा, ये इमेज देखिए मैंने पूरी देख ली और यहाँ से गायब। अब अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूंगा तो भी ये इमेज नहीं दिखाई देगी। सेम टू सेम अगर आपको कोई वीडियो सेंड करना है, कोई ऑडियो सेंड करना है, कुछ भी आप ऐसा करते हैं कि सामने वाला एक बार उसको देखे और वो डिलीट हो जाए सिक्योरिटी पर्पस पे ऐसा ना रहे, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है। आपको कैमरे आइकन पर हिट करते हुए ऑटोमेटिकली आपको ये करना है कि जैसे ही आप वहाँ पर व्यू वंस पर क्लिक करके मैसेज सेंड करेंगे ऑटोमेटिकली वो मैसेज सेंड हो जाए। सो गाइस जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक इमेज सेंड की, एक वीडियो सेंड किया और वहाँ पर सामने वाले के जैसे उसने देखा वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारे द्वारा की गई ये मेहनत पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिए और बेल आइकन पर हिट करिए ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो हमारे एंड से अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।